सो हनी सिंह की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसमें पिछले 3.5 साल से काम चल रहा है फाइनली वो रिलीज होने वाली है। आखिर हुआ क्या हनी सिंह को? ये बात किसी को नहीं बता जिस कैमरे के सामने बताने जा रहा। और इसके लिए हनी सिंह के फैंस और DHH में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो क्या मैं तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दूं? क्या तुम लोग को पता है इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा ने, जो कि एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर है। लास्ट ईयर 2023 में ही इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को एकेडमी अवार्ड मिला था। सी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सिखिया एंटरटेनमेंट, जिसके थ्रू हनी सिंह की ये डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज होगी। और इस प्रोडक्शन ने इसके पहले बॉलीवुड मूवी जैसे कि द लंच बॉक्स, मसान, जुबान जैसे मूवीज प्रोड्यूस कर रखे हैं। हनी सिंह के इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं मोजेस सिंह, जिन्होंने इसके पहले जुबान, ह्यूमन, व्हाइट नोज और पिडलर जैसे मूवी में एज ए डायरेक्टर या फिर एज ए राइटर काम कर रखा है। सो जैसा मैंने बोला था, एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगी। थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ी है आई गेस, ठीक है, बट अभी रुक जाओ वीडियो में। अभी आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस वेब सीरीज से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ दिन पहले ही हमें डॉक्यूमेंट्री के टीम का मीडिया इंटरेक्शन देखने को मिला, जहां पे हनी सिंह भी प्रेजेंट थे। वहां पे इस डॉक्यूमेंट्री का नाम भी डिस्क्लोज किया गया, जो कि होने वाला है फेमस। इसके साथ साथ हनी सिंह ने खुद बहुत कुछ रिवील किया है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जो हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल सकता है। हम आगे वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल ही हनी सिंह के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ट्रैक लव डोज का सीक्वल बिगड़िया हीरा का हमें टीजर देखने को मिला है। तो हम इस टीजर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस गाने से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये गाने की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है और कैसे ये लव डोज, जो कि इसका पहला पार्ट था, उससे कनेक्टेड होने वाला है। ओके, सो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा तुम्हें इस वीडियो में, जो शायद तुम्हें इंटरनेट में और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आगे देखो, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो नेटफ्लिक्स ने आज से अप्रॉक्स 3.5-4 साल पहले हनी सिंह को अप्रोच किया था इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री में काम स्टार्ट हो गया और अब जाके ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें एक टीजर भी आज से अप्रॉक्स 1 साल पहले देखने को मिला था, बट उस टीजर के ड्रॉप होने के बाद इस डॉक्यूमेंट्री की कोई न्यूज ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री शायद कभी रिलीज ही नहीं होगी, बट फाइनली कोई भी बैड न्यूज नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है और इसका नाम भी अनाउंस हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम होने वाला है फेमस, जिसको डायरेक्ट किया है मोजेस सिंह ने, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी इंट्रो में बताया। और जैसा मैं बता रहा था कि रिसेंटली एक मीडिया इवेंट हुआ था, वहां पे हनी सिंह ने इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, तो हम एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सो हनी सिंह इस इवेंट में, हनी सिंह के लाइफ में और उनके करियर में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है उनके बारे में बात करते हैं और हिंट देते हैं कि उनके लाइफ और करियर की कॉन्ट्रोवर्सीज भी हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिल सकती है। हनी सिंह ये भी मेंशन करते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ पीपल टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हिम, हनी सिंह ने कभी भी उनको काउंटर नहीं किया, कभी भी उनके बारे में डायरेक्टली बात नहीं करी है अभी तक। और हनी सिंह के हिसाब से इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए कभी भी उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, जो फाइनली नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म में हनी सिंह खुल के अपनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो हनी सिंह की इस डॉक्यूमेंट्री में हम हनी सिंह के साइड की स्टोरी जानने वाले हैं, जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है हनी सिंह से रिलेटेड उसके बारे में। अगर तुम ध्यान दो तो अभी तक हनी सिंह ने कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज को अपने साइड से एक्सप्लेन नहीं किया है या फिर काउंटर नहीं किया है। जो भी हम सुने हैं, हमने दूसरी साइड की स्टोरी सुनी है। सो हनी सिंह के साइड की स्टोरी हमें यहाँ पे जानने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हनी सिंह की पर्सनल लाइफ बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरी पड़ी थी। मैं यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी लोगों को अच्छे से पता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हनी सिंह और उनके एक्स वाइफ के रिलेशन के बारे में। सो इसके बारे में एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं है और हनी सिंह ने कभी भी इसके बारे में खुल के बात नहीं किया है, अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताई है, तो शायद वो भी हमें इस डॉक्यूमेंट्री में जानने को मिलेगी। सो इन ब्रीफ, हम हनी सिंह के पूरे लाइफ को, हनी सिंह के पूरे करियर को और भी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और उन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो अभी तक हनी सिंह ने कभी भी एड्रेस नहीं किया है। सो यस, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री, सिर्फ हनी सिंह की वजह से नहीं। हाँ, हनी सिंह भी एक रीजन है, बट उसके साथ साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो टीम इन्वॉल्व्ड है इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे,
मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्री सच में अच्छी होने वाली है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है और लेट्स सी जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी तभी हमें पता चलेगा। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस डॉक्यूमेंट्री से, कमेंट करके बताओ। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूँ, चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। इंसान पे भरोसा नहीं बस कुछ के मैं साथ में, सब मुझे पता कौन मेरे साथ में, कौन पीछे से करता मेरे वार है, नहीं पता था कि बनूंगा हाँ कलाकार में, दिल मेरा भारी लिखूं इसे गाने में, जिगर चाहिए बेटा ऐसी बातें लिख पाने में, जिगर चाहिए ऐसी चीजें। सो इस आर्टिस्ट का नाम है शार्प शूटर और गाने का नाम है फैक्ट्स। सो अगर तुम इंस्टाग्राम रील चलाते हो ना तो और DHH फॉलो करते हो तो भाई को तुम लोगों ने इंस्टाग्राम रील पे देखा होगा, भाई की कुछ रील बहुत ज्यादा वायरल है और उस रील में भाई किल कर रहे हैं, मतलब तुम भाई का फ्लो देख के ना लाइक लगेगा भाई क्या है ये, ठीक है। बट भाई का सिर्फ फ्लो अच्छा नहीं है, भाई लिरिकल भी बहुत अच्छे रैपर है जो भाई ने इस ट्रैक में प्रूव किया है। भाई ने एग्जैक्टली जैसा ट्रैक का नाम है ना फैक्ट्स, वैसा ही फैक्ट्स इस गाने में लिख दिया है। पूरे गाने में तुम्हें फैक्ट्स नजर आएगा, राइटिंग बहुत अच्छी है, भाई की डिलीवरी बहुत प्यारी है और भाई ना मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है भाई में और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, ठीक है। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि भाई वो आर्टिस्ट कुछ करे, लाइक जेन्युइनली वो ग्रो करे, ठीक है, भाई उस उनमें से एक है, ठीक है। सो अगर तुम्हें भाई का ट्रैक पसंद आया, मैंने स्निपेट ऑलरेडी प्ले किया है, जाके पूरा ट्रैक सुनना, डेफिनेटली तुम्हें पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा और जाओ भाई को सपोर्ट करो, भाई डिजर्व करते हैं सपोर्ट, ठीक है। अगर ये पार्ट देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल सपोर्ट करने जाना, डेफिनेटली जाना, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो सपोर्ट दिस गाई, दिस गाई इज द फ्यूचर, ही हैज पोटेंशियल, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, सपोर्ट हिम, सो सम लव, ठीक है, यस। So, ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्री की, डॉक्यूमेंट्री से अब हम चलते हैं लव डोज के सीक्वल में। सो हनी सिंह ने लव डोज का अपना सीक्वल अनाउंस कर दिया है, सिर्फ अनाउंस ही नहीं इसका टीजर भी ड्रॉप हो चुका है और टीजर देख के ये बिल्कुल लव डोज की याद दिला रहा है, बिल्कुल उसका सीक्वल नजर आ रहा है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं इस ट्रैक में किसने किसने काम कर रखा है। सो गाने का नाम होने वाला है विगड़िया हीरा, सिंगर होंगे यो हनी सिंह, कंपोज किया है गिल रोनी ने और लिरिक्स है गिल रोनी की, हमेशा की तरह जैसे अभी पिछले बहुत सारे गाने आ रहे हैं गिल रोनी की। सो इस गाने का भी लिरिक्स और कंपोजिशन गिल रोनी का ही है और इस टीजर के डिस्क्रिप्शन में मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर का नाम ढूंढ रहा था जो मुझे देखने को नहीं मिला, पर हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे कंफर्म किया है कि ऑन पब्लिक डिमांड इस गाने को प्रोड्यूस खुद यो हनी सिंह ने किया है। तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हनी पाजी का प्रोडक्शन हमें इस ट्रैक में कैसा देखने को मिलने वाला है। और अगर हम वापस टीजर में चले, थोड़ा सा टीजर को ब्रेक डाउन कर ले कि एग्जैक्टली टीजर में क्या चल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा ना कि टीजर बहुत ही मिलता जुलता है लव डोज से, लाइक पहले पार्ट से एग्जैक्टली उर्वशी रौतेला वैसे ही चलती हुई आती है। हनी सिंह अपने दोस्तों के साथ साइड में होते हैं, फोन चला रहे होते हैं, यहां तक बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट किया गया है। इसके बाद हनी सिंह के बगल वाला बंदा बोलता है भाई वो देखो तुम्हारी एक्स जा रही है, कोई और बंदा उठा के ले गया उसको, ठीक है। और हनी पाजी फिर वहां से भाई एग्रेशन में आके फिर वहां से गाना स्टार्ट होगा। Isn't she your ex? What is she doing with that old model? देनी पैनी है नू लव डोज एक बारी फिर। हमें यहाँ पे म्यूजिक और गाना का थोड़ा सा स्निपेट भी सुनाया जाता है जो सुनने में बढ़िया लग रहा था, ठीक है। पूरा गाना आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली कैसा है और भाई ये पूरा सिक्वल ही लग रहा है, लाइक बहुत सिमिलर लग रहा है लव डोज से। बस ये गाना जो है ये जी म्यूजिक से आया है और पिछला जो गाना था वो टी सीरीज से आया था, उसकी वजह से ट्रैक का नाम चेंज करना पड़ गया, नहीं तो नाम भी नहीं चेंज करते, सेम ट्रैक सेम नाम से ड्रॉप हो जाता, लव डोज 2 के नाम से ड्रॉप हो जाता, बट लेबल की वजह से नाम चेंज करना पड़ा है। एग्जैक्टली देसी कलाकार के लिए भी वही हुआ था कि कला स्टार कर दिया गया था उसको लेबल की वजह से, अगर सेम लेबल से आता तो देसी कलाकार पार्ट 2 बोल के ही ड्रॉप किया जाता ट्रैक को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग। सो ये ट्रैक 15 तारीख को रिलीज होने वाला है, इस ट्रैक के लिए तुम लोग कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि डॉक्यूमेंट्री के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर लव डोज पार्ट 2 के लिए ज्यादा एक्साइटेड, ठीक है, कमेंट इट डाउन। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन यो हनी सिंह लव डोज पार्ट 2 एंड हिज अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री। सो अगर तुम हनी सिंह के फैन हो, अटेंडेंस लगा दो नीचे, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो एंड मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।